नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीत कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए हाजिर हूँ साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट लेकर के। इस बार का जो साप्ताहिक राशिफल है वो 11th जैन से लेकर के 17th जैन तक रहेगा, यानी कि मंडे से संडे तक रहेगा। जो हमारी प्रथा, जो हमारी ट्रेडिशन हमने फॉर्म की है, फ्रॉम मंडे टू संडे हम हर सप्ताह आपके लिए आपका राशिफल लेके आएंगे। कैसा रहेगा ये सप्ताह, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है, लाभदायक सिद्ध हो सकता है, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी, कौन सा नंबर रहेगा लकी, कौन सा कलर रहेगा लकी, उन सब चीजों की चर्चा हम करेंगे। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में एरियंस मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह नए नए लोगों से मुलाकात, नए काम की कुछ प्रपोजल्स, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के अंदर कुछ बेहतरी की संभावनाएं बढ़ने की चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अपने रिश्ते, भले ही वो प्यार के हों या परिवार के हों, आप उनको शेप अप कर सकते हैं, उनको एक अच्छी पहचान दे सकते हैं या उनके प्रति बड़ी अच्छी सोच रख सकते हैं। कहीं किसी रिश्ते को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो दूर होने की संभावना भी बनती है। इवन आप कोई लंबी यात्रा भी प्लान कर सकते हैं, कुछ पेंडिंग कामों को निपटाने में आप सक्षम भी साबित होंगे। एक बात दिमाग में रखकर चलनी होगी कि वादों विवादों से बच के चलने के लिए पॉलिटिकल चर्चा से, कन्फ्रंटेशन से, अगर आप जॉब में हैं, अपने सीनियर के प्रति कोई आपके मन में कोई बात है मगर किसी और ने आपसे कहलवाने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट जा सकती है। ऐसे ही कोई राजनीति से संबंधित चर्चा हो, भले ही उसके अंदर आपको कोई फायदा हो ना हो मगर कहीं ना कहीं आप किसी विवाद का शिकार हो सकते हैं। दूसरा, कोई डील जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या कोई गाड़ी के से रिलेटेड हो, पुरानी चीजों बड़ी सस्ती मिल रही हो, आपको ध्यान देना होगा उसके ऊपर। तीसरा चीज, अपनी जुबान पे नियंत्रण रख के चलना होगा, जिस जगह पे जितनी जरूरत है उतना ही बोलना है, अन्यथा कंट्रोल रख के चलना है। सिग्नेचर करने हैं जब आपको लगे कि ये चीज बिल्कुल मेरे लिए सही है तो आगे बढ़िएगा, अन्यथा बिल्कुल उसके ऊपर कंट्रोल कर लीजिए। इस सप्ताह आपको क्या करना होगा, चावल का दान, दूध का दान, फल का दान धर्मस्थल में दे दीजिएगा या किसी गरीब को दे दीजिएगा। बात करेंगे टॉरियंस वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली फोरकास्ट। इस सप्ताह भले ही कुछ काम के प्रेशर बने रहेंगे, कुछ चीजें आपके दिमाग में ऐसी हो सकती हैं जो आपको थोड़ा बॉदर कर सकती हैं, मगर तन की स्थिति भी सुधरेगी, मन की स्थिति भी सुधरेगी, धन की स्थिति भी सुधरेगी, पूंजी निवेश के नए रास्ते भी खुलेंगे। मन की एकाग्रता बनाकर के रखने के लिए, सेहत को तंदुरुस्त बनाकर रखने के लिए जो प्रयास करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। सरकारी कामों में वक्त लग सकता है, कहीं कोई चीज आपको बड़ी रोजी पिक्चर दिखा करके, कोई ऐसी अल्यूरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी दिखा करके आपको गुमराह ना कर दे, आपको थोड़ा सा एक्टिव एंड अटेंटिव रहना होगा। वर्क प्लेस पे कोई आपका अनड्यू एडवांटेज ना उठा ले उसका भी ध्यान रखना होगा। यस, इन्वेस्टमेंट भले वो स्पेकुलेशन में हो या प्रॉपर्टी में हो, कोई ना कोई गेनफुल स्थिति पैदा कर सकती है। पारिवारिक रिश्ते, खास करके किसी रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर आ जाए, किसी अपने परिवार के सदस्य से कोई अच्छी खबर आ जाए, कोई बहुत अहम फैसला अपने परिवार को लेकर के भी आप ले पाएंगे। और कोई ऐसा काम आप करेंगे जिसमें कोई अच्छी यात्रा भी आपको करनी पड़े या उस काम से संबंधित यात्रा हो सकता है करनी पड़े। सो कुल मिलाकर के जो सप्ताह है दो बातों का ध्यान देने की तरफ इशारा करता है कि अपना काम किसी पे ओवर डिपेंडेंट होकर नहीं चलना, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करके चलना है, अपने कामों के राज किसी से शेयर नहीं करने हैं। तीसरा, अपने काम के प्रति बहुत एक्टिव एंड अटेंटिव बन के रहना है, जहां पे किसी पे ओवर डिपेंडेंट हुए वहीं पे मार पड़ सकती है। तीसरा, कहीं
कोई आपके राज आपके अगेंस्ट इस्तेमाल ना कर रहे, इस बात का थोड़ा सा रखना होगा ध्यान। बट अगर हम टोटेलिटी में बात करें, समय अच्छा है, आपका पूंजी निवेश भी आपके लिए लाभकारी होगा, कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, अगर पैसे फंसे हुए तो पैसे मिल सकते हैं, किसी अच्छी चीज पे खर्चा कर सकते हैं आप, वाहन इत्यादि पे खर्चा कर सकते हैं, कोई लग्जूरियस आइटम पे आप खर्चा कर सकते हैं, घर की साजो सजावट पे खर्चा कर सकते हैं, भूमि से संबंधित कुछ योजनाएं बना सकते हैं। और उपाय आपके लिए जो रहेगा वो रहेगा कि आटा चीनी धर्मस्थल में दान दे दीजिए या किसी भी गरीब को दान दीजिएगा। और जिनको भी आप मानते हैं, अपने गुरुओं को मानते हैं, तो गुरु की पूजा कीजिएगा, अपने इष्ट देव को याद कीजिएगा, प्रभु की कृपा हो। बात करेंगे जेमिनियन मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की, वीकली फोरकास्ट की। मान सम्मान बढ़ सकता है, यश बढ़ सकता है, आप धन को लेकर के जो आपकी चिंताएं चल रही थी उन चिंताओं से आपको राहत मिल सकती है, किसी रिश्ते के प्रति जो मन में कुछ जिज्ञासाएं चल रही थी या कुछ बातें चल रही थी, कुछ क्लैरिटी चाहिए थी, क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। घर में कोई खुशी का कार्य संपन्न हो सकता है, कोई दोस्त के घर में संपन्न हो सकता है, किसी अच्छी जगह पे आपको जाने का मौका मिल सकता है, कोई लंबी यात्रा के योग हो सकते हैं, या यूं कहिएगा विदेश से संबंधित कार्यों में होगा लाभ। इस सप्ताह का जो अंतिम भाग काफी आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकता है, स्टार्टिंग में कुछ मिले जुले प्रभाव रहेंगे, मिडिल में कुछ अच्छी अचीवमेंट आपके हाथ लगने की संभावनाएं बढ़ेगी या आपको दिखाई देगी। इस सप्ताह आपको ध्यान क्या रखना होगा कि किसी की गारंटी देकर के ना चले, एंड कहीं पे भी कोई भी बात अपनी जुबान से फिसल ना जाए वो, प्लस कोई वजनदार ऐसी चीज ना उठाए, ऐसा काम ना करें जिससे आपकी बैक पे नेक पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंपैक्ट आए। सो इस सप्ताह कहीं ना कहीं ईएनटी ट्रबल या बैक एक नेक एक भी बॉदर कर सकते हैं, उनसे बचने के लिए धनुरासन का इस्तेमाल करना होगा एंड घी का दान धर्मस्थल में देना होगा, माँ दुर्गा से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करना होगा। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। अब बात करेंगे कैंसेरियन कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट की। इस सप्ताह में मिला जुला प्रभाव बना रहेगा, कुछ चीजें दिखने में बहुत अच्छी लगेंगी मगर कहीं जब नजदीक जाएंगे या करने के प्रयास करेंगे हो सकता उतने अच्छे रिजल्ट ना आए। अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से बचें और अपने दिल की बातें किसी से शेयर करने से करें परहेज। यहां आपको लगता है आपके अपना परिवार है वहां जरूर करनी चाहिए, यहां बातें बाहर निकल सकती हैं, यहां पे आपको लगता है कि जरूरत नहीं है बात करने की, वहां पे अवॉइड करने की आपको ग्रह देते हैं सलाह। पूंजी निवेश के मामलों में बड़ी अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ लग सकती हैं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कुछ पुरानी सामान को घर से आप निकाल सकते हैं, कलेक्टर को निकाल सकते हैं, कुछ पेंडिंग कामों को निपटा सकते हैं, दबा के आप मेहनत करेंगे मगर रिजल्ट शायद उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे। कुछ कंफ्यूजन व एल्यूजन से भी ये सप्ताह भरा हुआ है, देखेगा कुछ और प्रैक्टिकली कुछ और होगा, आपको लगेगा कि ये काम मेरा बिल्कुल कंप्लीशन पे है लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके बीच में रुकावट या कोई बाधा डाल सकता है या बाधा आ सकती है। खर्चे सोच समझ के करें और उधार देते समय परहेज करें, किसी को मांगी हुई गाड़ी देने से भी परहेज करना जरूरी है। इस सप्ताह का ट्यूजडे थर्सडे एंड फ्राइडे आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड साबित होंगे। उपाय आपको इस सप्ताह में क्या करना है, इस सप्ताह में दो गोमती चक्कर 7 बार पवित्र जल में धोकर के, 7 बार गंगा जल में धो लीजिए, 7 बार उसको पंचामृत में धो लीजिए, फिर 7 बार गंगा जल में धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेट के अपने पास रखिएगा। दूसरा,
गणेश कवच शिव कवच का पाठ कीजिएगा। आप चाहे तो यूट्यूब से डाउनलोड करके उसको सुन भी सकते हैं। तीसरा, गणेश जी के चरणों में पीले फल पीले फूल चढ़ा दीजिए। बात करेंगे लियोस, सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट। समय आपको ऐसा एहसास करवाएगा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी ध्यान रख के चलेंगे। पूंजी निवेश के मामलों में आपकी सतर्कता, आपका नजरिया बहुत पॉजिटिव होगा। लाइफ के प्रति, काम के प्रति, दूसरों के प्रति आपका नजरिया बदलेगा, अंदाज के अंदर बेहतरी आएगी। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाएंगे, भले ही वो आपसे अपने से जुड़े हुए हों या परिवार से जुड़े हुए हों या फिर अपने काम से जुड़े हुए हों, जो आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। कुछ ऐसे पेंडिंग काम आपके निपटेंगे जिनकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, और नई अपॉर्चुनिटीज काम की भी आ सकती हैं। नई अपॉर्चुनिटीज अगर आप बिजनेस में है तो बिजनेस बढ़ सकता है आपका, बिजनेस की प्रपोजल्स आ सकती हैं। जॉब में है तो नई असाइनमेंट मिल जाए, नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बॉसेस आपके ऊपर मेहरबान हो जाए, तरक्की हो जाए। फाइनेंशियल ग्रोथ का समय है, फिर भी कहां पे ध्यान देके चलना होगा, बीच में रेस्टलेसनेस एंजाइटी का ध्यान रखना होगा, अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखना होगा। जब आप यात्रा कर रहे हैं तो ये नहीं कि अपना सामान किसी के सहारे छोड़ा और आप चले गए बाद में सामान का। इवन कहीं आप रेलवे स्टेशन पे हैं, कहीं पे भी है, बस स्टैंड पे हैं या कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, अपने पर्स का ध्यान रखिए, अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रख के चलिए। किसी रिश्तेदार की हेल्थ का भी कुछ कंसर्न बॉदर करेगा, मगर कोर्ट कचहरी में चल रहा कोई मसला आपकी इच्छा के मुताबिक हल होने के बनते हैं। पूर्वियों इस सप्ताह आपको क्या उपाय करना होगा? ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें, गायत्री कवच का पाठ करें, सूर्य चालीसा का पाठ करें, साथ में गेहूं गुड़ का दान धर्मस्थल में या किसी गरीब को दे दें। अब बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट। इस सप्ताह सेहत को सुधारने के, संवारने के नए नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे, अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे। कुछ ऐसे कार्य होंगे जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। काम भी बढ़ेगा, आर्थिक दृष्टि से संपन्नता भी आएगी, रिश्तों को लेकर के भी चैन व आनंद बढ़ेगा, माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट भी बढ़ेगा आपका। अगर आप किसी मीडिया के फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का, या एजुकेशन के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का बहुत अच्छे तरीके से आनंद ले पाएंगे। सेल्स मार्केटिंग वाले लोगों के लिए, जो होटल मोटल रेस्टोरेंट या टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए भी कुछ नए नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। घर में किसी साजो सजावट पे खर्चा हो सकता है, लग्जरियस आइटम पे खर्चा हो सकता है, कपड़े गहने इत्यादि या कोई और मोबाइल लैपटॉप इत्यादि पे खर्चा अपने लिए या परिवार के लिए आप कर पाएंगे। तो ध्यान कहां पे देना होगा? जब आप यात्रा कर रहे हैं ट्रैफिक वायलेशंस का ध्यान रख के चलें, एंड यात्रा के दौरान कोशिश करें कि बिल्कुल मोबाइल की तरफ अटेंशन बिल्कुल ना जाए अगर आप गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं तो। तीसरी चीज, कोई भी आपने किसी को मैसेज भेजना हो, मेल भेजनी हो, तो उसको दो तीन बार पढ़ करके भेजेगा। थोड़ी सी हल्की सी गलती जो आपको बाद में थोड़ा सा महसूस करवा सकती है, नो डाउट ये वाला सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा और रिजल्ट ओरिएंटेड है, बट छोटी छोटी गलतियां जो पिन पिकिंग वाली, जो थोड़ा थोड़ा बॉदर करने वाली भी साथ में आपसे आपको बॉदर करेंगी। अकस्मात धन लाभ का योग हो सकता है, अकस्मात पैसे का फ्लो बढ़ सकता है, अच्छी चीजों पर खर्चे आप कर सकते हैं। प्रेमी युगलों के लिए समय बहुत ही बढ़िया है, परिवार के किसी सदस्य को लेकर खुशखबरी आएगी। उपाय क्या करना होगा? इस सप्ताह में आप घी, आटा और दालें, दो किस्म की दालें, जिसके अंदर काली दाल ना हो, लाल दाल ना हो, किसी भी गरीब को दे दे, या यहां पे लंगर चलता हो, भंडारा चलता हो, वहां पे दे दीजिएगा।
अब बात करेंगे लिब्रा तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट की। ये वाला सप्ताह आपके लिए अच्छे नोट पे शुरू होने वाला है। वेल बिगन इज हाफ डन। इवन आपका मंडे बड़ा सिग्निफिकेंट रह सकता है, वेंसडे बड़ा सिग्निफिकेंट रह सकता है, फ्राइडे बड़ा सिग्निफिकेंट रिजल्ट ओरिएंटेड रह सकते हैं। सप्ताह में कहीं से फंसे हुए पैसे निकल सकते हैं, पूंजी निवेश के नए रास्ते मिल सकते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह जो आपके जीवन में अच्छा बदलाव लाने वाली होगी वो सलाह आपको मिल सकती है। आप अपने प्रति जागरूकता को बढ़ाएंगे अपनी पढ़ाई में। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अपने करियर की तरफ, आपकी पढ़ाई की तरफ आपका फोकस इंप्रूव होगा, जिसका आगे चल करके आपको फायदा होगा। अगर आप वर्किंग है, जॉब में है, तो जॉब में बेहतरी के योग बनेंगे। बिजनेस में तो बिजनेस के दायरों की एक्सपेंशन के योग बनते हैं। कोई परिवार का सदस्य या कोई दोस्त मित्र आपके लिए विशेष प्रेरणा का कारण बन सकता है। इस सप्ताह में किसी भी गरीब सुहागन औरत को श्रृंगार का सामान दे दें, और किसी भी गरीब औरत को कोई लाल रंग का या पर्पल कलर का कपड़ा दान दे दीजिएगा। और तीसरा, मां लक्ष्मी के चरणों में लाल रंग के फल, लाल रंग के फूल चढ़ा दीजिए, क्वांटिटी यथाशक्ति। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की वीकली फोरकास्ट की। मनोबल, गट फीलिंग, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। काम में रिजल्ट मिलेंगे, काम में रिकॉग्निशन मिलेगी, रिवार्ड्स मिलेगी, कुछ पुराने कामों का फायदा भी आपको मिल सकता है। मगर लेन देन के मामलों में थोड़ी सी एहतियात बरतने की ग्रह हिदायत देते हैं। रिश्तों के प्रति आपको बड़ा एक्टिव, अटेंटिव एंड समर्पित रहना होगा। किसी के साथ छोटी सी बात को लेकर मन मुटाव ना हो जाए, शब्दों का नाप तोल के इस्तेमाल करना होगा। पूंजी निवेश के मामले में लक आपका देगी साथ। भूमि से संबंधित कोई काम आपका लटका हुआ था वो काम हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, बनानी है बनाई जा सकती है, बेचनी है बेची जा सकती है, कोई लीज आउट करनी है लीज आउट हो सकती है, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स वो टेक शेप। सो टाइम जो है कुल मिलाकर के शुरुआत भी सप्ताह की अच्छी होगी, सप्ताह का अंत भी अच्छा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मंडे का दिन, ट्यूजडे का दिन, थर्सडे का दिन, संडे का दिन आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड एंड सिग्निफिकेंट साबित हो सकते हैं। इस सप्ताह में आपको क्या करना होगा? मेडिसिन की डोनेशन टू द नीडी पीपल, जो जरूरतमंद है, किसी को डॉक्टर ने, गरीब व्यक्ति को दवाई लेके दे दी, उसकी दवा आपने लेके दे दी, या फिर कहीं पे अपने हॉस्पिटल पे जो चैरिटेबल जो हॉस्पिटल है वहां पे आपने दान दे दिया। मतलब योग्य किसी व्यक्ति को दान देना आपके लिए लाभजनक साबित होगा। दूसरा जो है, गणेश जी की वंदना करनी होगी। ओम नमो श्री विघ्नेश राय नमः, ओम नमो श्री एक दंताय नमः मंत्र का उच्चारण करना होगा। अगर गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ सुन सके या पढ़ सके अति उत्तम होगा, एटलीस्ट सप्ताह में दो बार। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस धनु राशि वालों के लिए। सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता भी रहेगी, बढ़ेगी भी। किसी की बातें थोड़ा सा मन में घर कर जाएंगे, अच्छे वाले भी और खराब वाले भी। काम में लगेगा मन, सरकारी कामों में सफलता के योग रहेंगे, रुके हुए काम भी आपके बनेंगे, कोर्ट कचहरी में कोई चल रहा मसला भी आपकी इच्छा मुताबिक हल होने की संभावना बनती है। कहीं पैसे फंसे हुए थे, पैसे निकल के आ जाएंगे। किसी रिश्ते को लेकर बेचैनी चल रही थी, रिश्ते को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी। आपके रिश्ते आपके प्रति समर्पित रहेंगे और आप किसी की मदद करके अपने आप को आनंदित कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ ऑब्लिगेशंस, चाहे वो परिवार में हो या बाहर हो, ऐसे रहेंगे जो कि आप चाह के अवॉइड भी नहीं कर पाएंगे, और साथ में उनका ध्यान रखते रखते कहीं ना कहीं आपकी अपनी हेल्थ पे कुछ इंपैक्ट आएगा। इस सप्ताह में वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आपके लिए बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकते हैं। पूंजी निवेश के जो रास्ते आपके लिए खुलेंगे वो बहुत ही बढ़िया साबित होंगे आपके लिए। जब भी सप्ताह के अंदर कोई चीज आप गवाएंगे या नुकसानदेह स्थिति में जाएंगे तो उसके पीछे वजह एक ही होगी कि आपने अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रखा या रूखेपन में बात करी।
तो उसका मतलब ये हुआ कि सप्ताह में कड़वे शब्दों के इस्तेमाल से आपको परहेज करना होगा। कई बार बिल्कुल सही बात भी कहनी हो, बहुत आप कड़वे का मतलब क्या हुआ कि बहुत कई बार कट हो जाते हैं, मतलब बहुत स्पष्टवादी हो जाते हैं, स्पष्टवादिता कई बार वो महंगी पड़ जाती है। तो इसलिए शब्दों का नाप तोल के इस्तेमाल ताकि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। इस सप्ताह में क्या करना होगा, दो बार थर्सडे को छोड़कर के साथ साथ केले, एक्सेप्ट थर्सडे, साथ साथ केले धर्मस्थल में दे दें या फिर केले गरीबों में बांट दें। एक्सेप्ट थर्सडे एनी टू डेज अदर देन थर्सडे, और अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण आपके लिए बहुत कल्याणप्रद साबित होगा। ओम घृणी सूर्याय नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण भी आपके ऑरे को मजबूत करेगा और आपकी पोजीशन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट की। माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट इंप्रूव होंगे, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स के योग बनेंगे। वर्क प्लेस पे कुछ चीजें बहुत अच्छी दिखाई देंगी मगर हो सकता है उसके उतने रिवार्ड्स ना मिले। किसी रिश्ते को लेकर मन बड़ा बेचैन होगा, किसी रिश्ते को लेकर के मन बड़ा खुश होगा। कोई लॉन्ग पेंडिंग इस सप्ताह में काम भी आपका निपट सकता है। कोई आपकी लंबे समय से चली आ रही परेशानी का अंत हो सकता है मगर कोई नई परेशानी पैदा ना हो जाए इस बात का भी ध्यान रख के चलना होगा। इस सप्ताह किसी को मुफ्त की सलाह देने से, यानी कि कई बार हम बार बार सोचते हैं, बहुत अपनापन होता है, हम बार बार रिपीटेडली किसी को कहते हैं तो बहुत एम्फेटिकली किसी चीज के ऊपर बहुत जोर देकर के किसी को कोई राय ना दे, फोर्सफुल यानी कि जो राय है उसके ऊपर कंट्रोल करना हो। अदरवाइज कहीं से कोई ऐसी बात आपको सुनने को मिल सकती है जो मन को थोड़ा सा ठेस पहुंचा दे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, इरादों की मजबूती भी बढ़ेगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, एक्टिंग के फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, रुके हुए काम रास्ते खुलने भी आपके शुरू हो सकते हैं, भले ही उसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा इंतजार आपको करनी पड़ सकती है। अकस्मात धन का लाभ हो सकता है, अकस्मात कहीं नुकसानदेह स्थिति पैदा भी हो सकती है। इसका मतलब गुड फेथ पे डिसीजन नहीं लेना, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना इन्वेस्टमेंट का। इस सप्ताह उपाय क्या करना है, एक मोती प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। दूसरा, या मून मोती ना मिले मून स्टोन भी चढ़ा सकते हैं आप। दूसरा, धर्मस्थल में चावल और दूध का दान दे दीजिएगा। अगर किसी को साबूदाने की खीर बना के खिला सकें इस सप्ताह में एक बार, बहुत बढ़िया साबित होगी। इस सप्ताह का मंडे एंड फ्राइडे आपके लिए विशेष तौर पर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड सिग्निफिकेंट साबित हो सकते हैं। अब बात करेंगे अक्वेरियंस कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट की। एनर्जी लेवल बढ़ेगा, सेहत आपकी इंप्रूव करेगी, कोई फिजिकल एलिमेंट आपको बॉदर करती आ रही थी उसमें से राहत मिल जाएगी आपको। फंसे हुए पैसे निकल आएंगे, पूंजी निवेश के नए रास्ते आपके खुल जाएंगे, भूमि से संबंधित वादों विवादों से मुक्ति मिल जाएगी आपको, भूमि से संबंधित डिसीजन लिए जा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत भी अच्छी होगी, सप्ताह का अंत भी अच्छा होगा। किसी रिश्ते को लेके इस सप्ताह में आप बहुत खुश रहेंगे, उत्साहित भी रहेंगे। किसी रिश्ते को लेके कुछ मन में बातें बॉदर कर सकते हैं, तो बेहतर क्या होगा, अपने वर्क प्लेस पे भी एक्टिव रहना एंड वर्क को लेकर के भी एक्टिव एंड अटेंटिव रहना। जहां पे भी कन्फ्रंटेशन का माहौल आए, यहां पे भी कोई ऐसा वादों विवादों का सिलसिला पैदा हो, अपने आपको थोड़ा सा दूर रखना होगा। दूसरा, किसी की गारंटी बिल्कुल ना दे। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन के मामले में बहुत ही आपको क्लियर होके जब तक तसल्ली से पढ़ नहीं लेते तब तक साइन मत कीजिएगा। यह समय
कुल मिलाकर पारिवारिक खुशियों में इजाफा करने वाला है। किसी सिबलिंग को लेकर खुशी आ जाए, किसी बच्चे को लेकर खुशी आ जाए, कोई अहम फैसला आप अपने परिवार के साथ मिलकर ले ले, भूमि से संबंधित हो सकता है, यात्रा से संबंधित हो सकता है, किसी अच्छी चीज के खरीदो फरोख्त पे हो सकता है, पूर्ण संभावना बनती है। मान सम्मान, किसी ऐसी जगह पे जाने का मौका मिलेगा जहां पे जाना आपके लिए सचमुच बहुत बढ़िया साबित हो जाए। इस सप्ताह आपके लिए ट्यूजडे, थर्सडे एंड संडे रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकते हैं। अहम फैसले ले सकते हैं, किसी खुशी में या किसी पार्टी में आप फोकस ऑफ अटेंशन हो सकते हैं, कोई विशेष उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। इस सप्ताह में आपको पंपकिन दो बार दान देना किसी गरीब को या धर्मस्थल में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कॉपर कॉइन ले लीजिएगा, सप्ताह में दो बार नदी नहर में अपने सर के ऊपर से सात बार क्लॉकवाइज टर्न करके बहा दीजिए एक कॉपर कॉइन। अब बात करेंगे पाइसियंस मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट। मान सम्मान में बढ़ोतरी वाला समय है, फिजिकल इंप्रूवमेंट वाला समय है, फिजिकल एक्टिविटी को इंप्रूव करने वाला समय है, मगर कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे जाने अनजाने में कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होकर चूक भी आपसे हो सकती है, कुछ लेन देन के मामलों में आप जल्दबाजी भी कर सकते हैं। मैं मानता हूं सप्ताह कुछ इल्यूजन या कंफ्यूजन से भी भरा हुआ है, कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी आपको लगेगा कि बड़ा आनंद आने वाला है, मगर उसमें वो आनंद ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स को बना के रखना, करते रहना आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। टेंशन आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, मगर उन चैलेंजेस को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। इस सप्ताह यही नहीं है कि सिर्फ टेंशन वाला समय है, हर टेंशन के भीतर एक बहुत अच्छी अचीवमेंट छिपी हुई होगी जिसका एहसास आपको बाद में होगा। कभी कभी जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है, मगर उन गलतियों में भी कई बार फायदा हो जाता है, मगर आप गलतियों से थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, जुबान पे कंट्रोल रखेंगे, लेन देन के मामलों में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, और कोई भी कोई इन्वेस्टमेंट करने हो इजी मनी वाली स्कीम्स के अंदर तो करने से परहेज करना ही है। किसी रिश्ते को लेके मन बहुत खुश हो सकता है, किसी रिश्ते को लेके कुछ बेचैनी कर सकती है बॉदर। इस सप्ताह में मंडे वेंसडे फ्राइडे एंड संडे आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड या किसी अच्छे मैसेज की तरफ इशारा भी करेंगे, किसी अच्छी व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या पुलिस फोर्स जुडिशरी में हैं तो कोई बहुत अच्छे फैसले आप ले पाएंगे या आपके फैसलों की सराहना होगी, ये समय आपके लिए विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है। इस सप्ताह में गरीबों के अंदर लाल वाले राजमा और चावल का लंगर भोजन व्यवस्था करने कल्याणकारी साबित होगी। लाल रंग के फल, लाल रंग के फूल प्रभु के चरणों में चढ़ाने कल्याणकारी साबित होंगे। हनुमान जी व गणेश जी की पूजा आपके लिए विशेष फलदायी साबित होगी। दर्शकों, ये तो था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट। मैं आशा करता हूं कि हमारा यह प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलिएगा। जब भी हमारा कोई वीडियो आएगा झट से आप तक पहुंच जाएगा। हमारी आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियो दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपकी पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों, ढेर सारी। मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर
फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं, किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लग्न है, कौन सी मेरी लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता, तो खुलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं, भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा, पंचांग ऑनलाइन चेक करना है, करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है या आप देखना कि पूरे महीने का राहु काल मुझे चाहिए तो राहु काल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस है जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों, यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। इसके साथ ही अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आपसे लूंगा इजाजत, अगले सप्ताह फिर यही प्रोग्राम लेकर के आपसे सामने पेश होऊंगा। नमस्कार and God bless you.